तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे ब्यूटीफुल सा आई मेकअप। उसके लिए मैंने अपने फेस का ट्रीटमेंट कर लिया है, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे पीच मॉइस्चराइजर, एंड मेरी स्किन है ड्राई तो मैं मॉइस्चराइजर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइमर लगाने मतलब बहुत अमेजिंग यूज बताए थे प्राइमर के, जो कि कौन सी स्किन पे कैसे करना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है, मॉइस्चराइजर लगाने के लिए हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद करेंगे हम लोग अपना आईब्रो फिल। ओके, तो आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए मैं जेल आईलाइनर ले रही हूँ, एंड इसको इस टाइप का ब्रश आता है, आईब्रो फिल करने के लिए ही आता है ये ब्रश। तो इससे हम लोग करेंगे अपने आईब्रोज को फिल। आईब्रो फिल करने के लिए आपको एक मिरर रखना होगा सामने, देन जैसे कि आप देख रहे हो मेरी आईब्रोज बनी हुई नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कस्टमर आ जाए इमरजेंसी में और आपको डायरेक्ट मेकअप करना है, आईब्रो नहीं बनवानी उनको, तो आप कैसे आईब्रो को फिल करोगे? इस तरीके से परफेक्ट शेप देंगे। जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शेप देंगे इस तरीके से। आउटर कॉर्नर पे आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा सकते हो, लेकिन इनर कॉर्नर पे आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने इनर कॉर्नर पे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया तो बहुत हैवी दिखेगा आपका लुक और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको आउटर कॉर्नर से धीरे धीरे प्रोडक्ट को फ्रंट की तरफ लेके आना है और आईब्रो को फिल करना है। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी आईब्रो फील करनी है। दूसरी आईब्रो फील करते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका ये लाइन है इसके बराबर में ही दूसरी साइड भी आना चाहिए। देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर आएगा। ओके, तो सेम है, अब यहाँ से लेके जाएंगे। और मिक्स करेंगे। धीरे धीरे इनर कॉर्नर की तरफ आएंगे। ओके, तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे तो आप ब्रश की मदद से उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए आप आई शेडो पैलेट में से थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो शेड है ये वाला उठाएंगे हम लोग इस तरीके से और इसके ऊपर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये फैलेगा नहीं और वाटरप्रूफ बन जाएगा। वैसे तो मेकअप एंड होते होते ये ऑटोमेटिकली वाटरप्रूफ बन जाएगा, क्योंकि पाउडर वगैरह से सेट होता है पूरा मेकअप फेस, तो ये भी सेट हो जाता है। अब हम लोग आगे का मेकअप स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्राइमर के बारे में कल मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी, तो वो वीडियो आप जाके आई बटन पे चेक कर लीजिएगा। ये है हुड्डा ब्यूटी का प्राइमर, है वाटरप्रूफ प्राइमर है, 50 मिलीलीटर का है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो इतना सा प्राइमर मैंने लिया है। ओके, अब इसको कैसे अप्लाई करना है,
फिंगर टिप पे ले लिया है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि पसीना आता है वहाँ वहाँ अच्छे से अप्लाई कर देना। वैसे तो पूरे फेस पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपके मेकअप और आपके फेस के बीच में एक लेयर बनानी है, जिससे कि आपका जो मेकअप है वो आपके स्किन को हार्म ना पहुँचाए, यानी कि नुकसान ना पहुँचाए। प्राइमर लगाने के बाद भी आपको एक मिनट के लिए रुकना है, जिससे कि प्राइमर जो है वो अच्छे से सूख जाए और आपके स्किन के बीच में स्किन पे एक लेयर बन जाए। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे आई मेकअप स्टार्ट। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई सॉरी कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर जब आप आई मेकअप कर रहे हो तो आपकी फेस शेड से एक दो शेडर लाइट होना चाहिए, ओके। क्योंकि कंसीलर जब लगाते हैं तो एकदम मैच लगाया जाता है, मतलब स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे स्किन में एकदम आपके स्किन के कलर का होना चाहिए। बट जब आप आई मेकअप करते हो तो आपकी स्किन से थोड़ा सा लाइट चलेगा। तो ये देखिए मेरी स्किन से दो शेड लाइटर है, ये आई मेकअप के लिए लाइटर शेड यूज किया जाता है। पूरे बेस मेकअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताए जा रही हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिए। डे बाय डे कुछ ना कुछ जा रहा है मेरे चैनल पे मेकअप से रिलेटेड, तो चेक ज़रूर किया कीजिए। बस हल्का हल्का टैप टैप करके अप्लाई करना है। ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज करना चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डीप करना है, ब्यूटी ब्लेंडर का सारा पानी सोख लेना है, उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करना है। इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और आपका मेकअप बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बनता है। सूखा ब्यूटी ब्लेंडर कभी यूज नहीं करना है, ओके। तो हमने आईज के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा कंसीलर और अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा जो हेयर था उसको अच्छे से हाइड करेगा। ये बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन ये मेकअप जब पूरा अच्छे से हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा। क्योंकि अगर आपने कंसीलर अच्छे से नहीं लगाया तो जो भी कलर आप अपने आईज पे अप्लाई करोगे वो उसका लुक जो है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। अब हम इसको कॉम्पैक्ट से पाउडर से सेट करेंगे। ओके, सेट करना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना। अगर आपने सेट नहीं किया और डायरेक्ट मेकअप स्टार्ट कर दिया तो आपका जो मेकअप है वो फैल जाएगा, क्रीज एरिया पे लाइन बन जाएगी आईज के नीचे, जो कि बहुत ही बेकार लगेगा आपका मेकअप। अब आपको हाइलाइटर, ये जो ब्लशर है, इसमें से वाइट कलर का शेड लेना है, वाइट, ओके। और जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है आईब्रोज के जस्ट नीचे। अब आपका जो हेयर वगैरह था वो अच्छे से हाइड हो चुका है। इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लेंगे, ओके। अब मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मेकअप के लिए आई शेडो पैलेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एंड आईब्रो वाला ब्रश लेना है। ये वाला ब्रश लेना है एंड हम यहाँ पे करेंगे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप। ऑरेंज है, ग्रीन है एंड ब्लू है, तो ऑरेंज शेड लेंगे। और अपनी क्रीच एरिया क्या होती है, जो हमारी आईज की हड्डी होती है ये हमारी क्रीच एरिया, तो क्रीच एरिया के जस्ट ऊपर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे। जस्ट ऊपर से आपको कलर अप्लाई करना है आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक, अच्छे से ब्लेंड करना है। इस तरीके से ब्रश को राउंड राउंड घुमाना है, तभी आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड होगा। थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे।
अब हम लोग लेंगे डार्क ब्लू कलर, और डार्क ब्लू इसमें नहीं दिख रहा है तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन कलर अप्लाई कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल दीजिए। ओके, फिर हम लोग डार्क ग्रीन कलर ले रहे हैं। नीचे दिए गए जस्ट नीचे इसको अप्लाई करना है, जिससे कि हमारे ड्रेस की कलर से मैच हो जाए। थोड़ा सा डार्क ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स कर देंगे। अब जो इनर कॉर्नर पे है वो लाइट ग्रीन है, इस तरीके से लाइट ग्रीन ग्रीन कलर को इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रहे हैं। लो वाटर लाइन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो उसके लिए डार्क ब्लू कलर लिया है। मेकअप को बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाने के लिए लो वाटर लाइन को स्किप नहीं करना है। ओके, सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी आईज पे करनी है। थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर लेके यहाँ पे और अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग दोबारा से ऑरेंज कलर ले रहे हैं, दूसरी आईज पे अप्लाई करेंगे। जो हमारी क्रीच एरिया ये है, जस्ट यहाँ से इनर कॉर्नर तक अप्लाई करेंगे। फाइनल लुक जरूर देखिएगा। ओके, आप डार्क ब्लू कलर लेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जरूर निकाल दें, नहीं तो आपके फेस पे गिरेंगे। अगर आपने फेस का बेस पहले से रेडी किया हुआ है तो वो आपके फेस का लुक खराब कर देगा। अब डार्क ग्रीन कलर ले रहे हैं। अब आपको लेना है लाइट ग्रीन कलर। लो वाटर लाइन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डार्क ब्लू कलर लेके ओके, ये तो हमारे आईज का बेस बन गया। कहीं आपको कम लग रहा है तो आप ऑरेंज कलर दोबारा से पिक करोगे, और क्रीच एरिया पे दोबारा से अप्लाई कर दोगे। बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ, बहुत ही प्यारे से आपका मेकअप बन जाएगा और बहुत ही गुड लुकिंग दिखेगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने सीखा हुआ है, मतलब जैसे अभी सीख रहे हो, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बन जाएगा। इसके बाद हम लोग काजल अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो तो अपनी आईज को अगर बड़ा दिखाना है तो आप वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर वाइट काजल अप्लाई कर लेती हूँ। वाइट काजल अपनी आँखों को बड़ा दिखाता है, इस तरीके से पकड़ना है हल्के हल्के से वाइट काजल को, लो वाटर लाइन पे अप्लाई कर देना है। अब बारी आती है लाइनर लगाने की।
इस टाइप की जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो तो आपको लाइनर विंग्स यहाँ से स्टार्ट करना है, जो हमारी कट क्रीज है ऊपर की तरफ लेके जाना है। थोड़ी लंबी विंग्स रखेंगे, और इस तरीके से लाके इसमें मिक्स कर देंगे। ओके, बिल्कुल आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। वन सेकंड गाइस, अब आपको यहाँ पे इस तरीके से आईलाइनर का ब्रश रखना है, और धीरे धीरे इनर कॉर्नर तक लेके आना है। ओके, इनर कॉर्नर पे भी इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ लेके आना है। आउटर कॉर्नर से लो वाटर लाइन पे इस तरीके से लाइनर को लगा देना है। विंग्स पे खास ध्यान दीजिए, अच्छे से विंग्स बननी चाहिए। यहाँ पे मैंने डबल निकाल दिया, बट आप सिंगल ही रखिएगा इसको। अगर डबल विंग्स बनानी है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो इस तरीके से ये आपको दूसरी साइड भी करना है। तो ग्लिटर लगाने के लिए मेरा ऑलमोस्ट मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, एंड ब्लू ड्रेस के लिए मेकअप है तो ग्लिटर भी हम लोग यहाँ पे ब्लू ही लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है दूसरी साइड भी। कभी भी ग्लिटर आपके फेस पे घिस जाए तो डायरेक्ट हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वो चिपक सकता है आपके फेस के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है ब्रश एंड कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड आराम से निकाल दीजिए तो बहुत इजीली आपका जो एक्स्ट्रा ग्लिटर था वो निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और भी कुछ आपको आई मेकअप से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, देखनी है, सीखनी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट टाइम मैं उस टाइप की वीडियो ज़रूर लेके आ पाऊँगी, आऊँगी आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और कैसा लग रहा है आई मेकअप ज़रूर बताएगा। बाय बाय।